हम सभी वृंदावन वासियों के साथ वापस चलो, घर चलो खाना। मैं अवश्य वृंदावन लौटूंगा, किंतु उससे पूर्व आप सबको मुझे बताना होगा कि आपसे क्या भूल हुई थी। यदि आप इस प्रश्न का उचित उत्तर दे पाते हैं तो मैं वृंदावन लौटूंगा, अन्यथा नहीं। अब मुझे ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण ने वृंदावन वासियों को वन में क्यों बुलाया है, धर्म और कर्म का अर्थ समझाने के लिए। वृंदावन वासियों को सर्वप्रथम अपनी भूल को समझना होगा। जो मनुष्य अपने हृदय में झांककर अपनी भूल को पहचान लेता है, वो धर्म और कर्म के मार्ग पर चल सकता है। ये भी तो संभव है गौरी कि कदाचित इसमें आराध्य की कोई नई लीला भी छिपी हो। नई लीला? महादेव, यदि आपको ज्ञात है तो मुझे भी बता दीजिए। आराध्य की लीला का वास्तविक आनंद मेरे बताने में नहीं है गौरी, उसे प्रत्यक्ष रूप से देखने में। थोड़ी प्रतीक्षा करो, सब कुछ स्वयं जान जाओगे। मुझे ज्ञात हो गया है कि तुम क्या करने की चेष्टा कर रहे हो कृष्ण, परंतु क्या इन अबोध वृंदावन वासियों को अपनी भूल ज्ञात हो पाएगी? यही तो देखना है राधे। मुझे अपनी भूल का आभास हो रहा है खाना। सभी गांव वाले कंस के क्रोध से भयभीत थे और उनके अनुरोध के कारण मैंने बिना तुम्हारा पक्ष सुने तुम्हें वनवास का ये दंड सुना दिया। यही हमारी भूल थी खाना। नहीं बाबा, ये उस प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो क्या हमने बैल को असुर न माना, ये हमारी भूल थी? क्षमा कीजिए काका, किंतु ये भी आपकी भूल नहीं है। थोड़ा और सोचिए, मुझे विश्वास है कि यहाँ कोई ना कोई उचित उत्तर अवश्य देगा। हमें और गहराई से सोचना होगा सखियों। यदि हमें अपनी भूल का आभास नहीं हुआ तो कृष्ण वृंदावन नहीं लौटेगा। मुझे हमारी भूल का आभास हो गया है कान्हा। हमारी भूल ये थी कि हमने सही और गलत की पहचान किए बिना केवल एक धारणा बना ली थी। हम गौवंश का सम्मान करने वाले यदुकुल के वंशज हैं। हमने बिना विचार किए केवल ये सोच लिया कि हर पशु एक समान होता है और उनकी पूजा करना ही हमारा परम धर्म है। हमारा यही सोचना ही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। हमारे नेत्रों पर हमारी उसी धारणा की पट्टी बंधी थी और इसी कारण हमें ये बोध ही नहीं हुआ कि वो बैल वास्तव में एक असुर था। अंततः आप सबको आपके भूल का आभास हो गया। चलिए, अब ये तो निश्चित हुआ कि कृष्ण शीघ्र ही वृंदावन लौट जाएंगे। थोड़ी प्रतीक्षा करो, सब कुछ स्वयं जान जाओगी। अच्छा, अब तो मैं और व्याकुल हो रही हूँ कि कृष्ण करने क्या वाले हैं। वो भी ज्ञात हो जाएगा गौरी, परंतु उससे पूर्व श्री कृष्ण सभी वृंदावन वासियों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख देने वाले। आवश्यक नहीं कि हर प्रथा हर परंपरा इसका आंख मूंद कर ही आपको पालन करना चाहिए, किंतु यदि पालन करना ही है तो धर्म का पालन कीजिए। एक ऐसा धर्म जिसके मार्ग सही कर्म के पहचान से प्रशस्त होते हैं। किसी भी मनुष्य का जब भी आप आकलन करने जाओ तो आकलन करना मात्र उसके कर्मों पर, ये कर्म ही आधार होने चाहिए, जाति नहीं। यदि जाति के आधार पर हम मनुष्य का आकलन करने लगे, उसकी पहचान समझने लगे, तो ये समस्त संसार, ये समस्त समाज विनाश की ओर अग्रसर हो जाएगा। तुम सत्य कह रहे हो काना। हम ग्वालों के लिए गौवंश उनकी संतान की तरह होता है और हम सभी
उनके प्रेम में वशीभूत होकर धर्म और कर्म के मार्ग से भटक गए थे। परंतु अभी हम सबको अपनी भूल का बोध हो चुका है, अब तो हमारे साथ घर वापस चलोगे ना कान्हा? मैं अवश्य चलूंगा। मैं वृंदावन निश्चित रूप से आना चाहता हूँ। बस मेरा एक निवेदन है और वो ये है कि ये सीख मात्र सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। इस सीख को हमें इस मन में, इस हृदय में उतारना होगा। और इसीलिए मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि क्यों ना इस सीख को हमारे इस मन में, इस हृदय में आत्मसात कर आज की रात्रि हम यहीं व्यतीत करें। फिर प्रातःकाल में सभी उठकर वृंदावन एक साथ चले जाएंगे। यदि तेरी यही इच्छा है कान्हा, तो हम निस्संदेह तेरी इस दी हुई सीख को अपने हृदय में रखकर आज की रात्रि यहीं बिताएंगे। पर हम सोएंगे कहाँ? आप सब आइए मेरे साथ। अरे वाह, यहाँ तो सबके विश्राम करने हेतु पर्याप्त व्यवस्था है। कान्हा, तुम्हें कैसे पता कि हम सब तुमसे और मेरी राधा से मिलने यहाँ आ रहे हैं? मुझे पता है आप सब मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मैं जानता हूँ आप मुझे ऐसे अकेला वन में तो छोड़ेंगे ही नहीं, इसलिए आपके लिए सारी व्यवस्था मैंने पहले ही कर दी थी। मेरा तात्पर्य यह है कि राधा ने मेरी बहुत सारी सहायता की, उस कारण से ये सब संभव हो पाया। हम दोनों ने मिलकर आप सबके लिए ये सब सज्ज किया है। चलिए अब आप सब विश्राम कर लीजिए, भोर होते ही वृंदावन के लिए प्रस्थान भी करना है ना। तुम कहाँ चले? मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। आओ मेरे साथ। मुझे इतना तो ज्ञात है कि तुमने रात्रि में जो सबको यहाँ रुकाया है उसके पीछे अवश्य कोई ना कोई कारण होगा, किंतु एक रात्रि में ऐसा क्या होने वाला है? एक रात्रि में मुझे पर्याप्त समय मिल जाएगा। समय? परंतु किस लिए? आज मेरी सीख को सभी वृंदावन वासियों में अपने हृदय में बिठाया है और सभी वृंदावन वासी मेरे हृदय में बैठ गए हैं। ये सभी लोग केवल वृंदावन के ही वासी नहीं, मेरे हृदय के वासी हैं राधे। अब जब हम वृंदावन लौटेंगे राधा, तो ये वृंदावन वो वृंदावन नहीं होगा जो पहले था। वे एक ऐसा स्थान होगा जो अत्यंत विशेष होगा, एक ऐसा वृंदावन जो कृष्ण का हृदय है। फिर तो इस नए वृंदावन में बसने के लिए मैं अत्यंत आतुर हूँ, जो मेरे कृष्ण का हृदय होगा।